नमस्कार, मैं हूं गुड्डू जेके और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज, 24 घंटे आपके साथ। देखते रहिए हिंद टीवी न्यूज रोजाना की तरह। आज भी हम आपको दिखाएंगे एक नई खोज, एक नई खबर। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये अमन एकता सम्मेलन जमीयत उलमा हिंद के कायद मौलाना सैयद महमूद मदनी की आवाज़ पर ये इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में होने जा रहा है, किया जा रहा है। इसमें कौन कौन, कहां कहां से, कैसे कैसे, क्या हो रहा है इसमें? देखिए, ये इकट्ठे हो रहे हैं सब यहाँ पर। ये अमन एकता सम्मेलन है, ये भाईचारा बना रहे, फ़िरकावारियत ख़त्म हो, फ़िरका वाराना जो फसादात हो रहे हैं इनका किस तरह से खात्मा हो और इनकी रोकथाम किस तरह से हो। ये सिर्फ अमन एकता अपना मुसलमानों का ही नहीं है बल्कि इसमें सभी कौमें शरीक हैं। सरदार भी हैं पंजाब से आने वाले और इधर उधर के लोग भी, सभी शरीक इसमें रहेंगे। आप कहाँ से आएँ? मुस्तफाबाद, भजनपुरा मुस्तफाबाद, दिल्ली 94 जो कहलाता इलाका, हम वहाँ से आए हैं। अमन की क्यों ज़रूरत पड़ी? जी देखिए, भाईचारा पहले से रहता चला आया हिंदुस्तान के अंदर, अब कुछ ताकतें ऐसी हो गई हैं, तकरीबन यूँ कह लीजिए कि आटे में नमक 20% भी नहीं होंगी, एक एहतियात के मुताबिक तो 20% है। ये लोग चाहते हैं कि 80% पर गालिब हो जाएं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अमन को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए, किस तरह से अपने कब्ज़े में इनको लिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान की पूरी 80% नहीं बल्कि 90% अपने मुसलमानों को छोड़ करके भी गैर मुस्लिम जो हैं, 90% जो सिविल सोसाइटी उनकी सबकी सारी है, वो सब के सब अमन की ख्वाह हैं और वो हमारे साथ हैं सब, और इस बारे में हमारे मौलाना बताएंगे। जी, आप कहां से आए हैं और जो सम्मेलन होने जा रहा है इसके बारे में कुछ बताएं, क्या है ये चीज़? ये सम्मेलन जो है, जैसे हमारे हजरत ने भी बतलाया, पहले अपना इसने शरीफ बताएं, इंट्रोडक्शन दें पहले, ये अपना इंट्रोडक्शन दें पहले। जी जी, मेरा नाम शकील अहमद है, ये हम सब लोग मुस्तफाबाद के इलाके से आए हैं, ये यमुना विहार के सामने है मुस्तफाबाद, दिल्ली 94, और ये सब लोग जो है जमीयत उलमा हिंद की आवाज़ पर यहाँ जमा हुए हैं। वो हमारे कायद हैं, बड़े हैं, जो यहाँ से पैगाम मिलेगा वो सारी दुनिया में फैलाया जाएगा। और यहाँ बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम देवबंद से हजरात और दूसरी जगह से, पूरे मुल्क से, हिंदुस्तान से यहाँ बड़े बड़े अकाबिर तशरीफ़ ला रहे हैं। वो एक पैगाम देंगे कि मुसलमान हिंदुस्तान का अमन चाहता है और अमन का खाई है, अमन का पैगाम देना चाहता है। जी मौलाना, अपना पहले इसने शरीफ। मेरा नाम आस मोहम्मद है जी, मुस्तफाबाद से आया हूँ। हमारे बड़े मौलाना अखलाक साहब भी हमारे साथ हैं जी। और हम जो आए हैं इस प्रोग्राम में आए हैं और दुआ है कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाबी दे। हमारे अकाबिर का हमेशा, अकाबिर का क्या, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा यही मामूल रहा है कि आपस में जोड़ पैदा हो, अमन कायम हो, बदअमनी को ख़त्म किया जाए। बदअमनी हर किस्म की, कोई मजाहिब से बिला इम्तियाज़, कोई उसमें मजहब का कोई कैद नहीं है कि वो इस्लाम है, मुसलमान है, कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है, कौन से नहीं रखता, बल्कि अमन सब कुछ चाहिए। वालों का कोई मज़हब होता है? कोई नहीं, बदअमनी वालों का कोई मज़हब नहीं होता, भला चाहे वो मुसलमान हो, कितना ही बड़ा मुसलमान दावा करने वाला हो कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, अगर बदअमनी फैलाने वाला है, जालिम है, तो मजहब इस्लाम कभी भी उसको पसंद नहीं फरमाया। आज ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है? ये इंदिरा गांधी स्टेडियम। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बाबुद्दीन नाम है और ओल्ड मुस्तफाबाद के रहने, दिल्ली चौड़ में रहने वाले हैं जी। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है उलमा के साथ हैं, कदम से कदम मिला के, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह साथ रहेंगे और साथ रहना चाहिए,
उलमा हमारे रहबर है और हमें उनका साथ देना चाहिए। उलमा की एक आवाज़ पर जहाँ भी कहेंगे इंशाल्लाह हम तैयार रहते हैं। हमेशा उलमा हिंद के साथ, जमात उलमा हिंद के साथ, हमारी ये जो जमात है ये शांति पसंद जमात है, पूरे मुल्क में अमन चाहती है और अमन के लिए हम जो है साथ देते हैं सब पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए। मेरा नाम अब्दुल समद है जी। मैं इंदिरा विहार दिल्ली 94 से हूँ। जमीयत उलमाए हिंद की आवाज़ पर मैं नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से सभी मज़हब के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और इस जमीयत उलमाए हिंद आज से नहीं बहुत टाइम से ये अमन के लिए और कौम की खिदमत के लिए बल्कि सभी मज़हब की खिदमत के लिए काम कर रही हैं जी। ये आज़ादी में जमीयत उलमाए हिंद का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जमीयत उलमाए हिंद ने जब भी आवाज़ लगाई हम हाजिर जी। सारा देश ने, सारा विश्व ने आज एक्सेप्ट किया है गांधी विनोबा का ये देश और उसका बाद उसी का शिष्य निर्मला देशपांडे उनका साथ हम ये आंगन का बच्चा सारा विश्व में ले जाने के चाहता है और देश से भारत से पाकिस्तान भी और कश्मीर भी विदेश में भी हिंदू मुसलमान का इकट्ठा करने के लिए वो जो गांधी का जो चिंता है, विनोबा जी का जो चिंता है और दीदी निर्मला देशपांडे का जो चिंता है उस काम में हम लोग सब जुड़ा है और आप लोग एक काम में 100 साल से जो काम कर रहा है उसके लिए मैं आभारी है। वी ऑन बिहाफ ऑफ गांधी एंड फेटर बड़ी गिनती विच हाजरीन सात संगत जियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास रोम रोम करके धनवादी है जमायत उलमाए हिंद जिन्होंने बहुत बड़ा उपराला करके अमन व एकता सम्मेलन आयोजित किया है जिथे लखां की गिनती में संगत हाजिर ने उत्थे सारे धर्मां दे धर्म आचार्य गुरु हाजिर ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अमन व एकता की गल करदिया होया ये पावन पवित्र उपदेश बख्शिश किया है। अवल my salutations to everyone assembled here, pranam, good afternoon, hearty congratulations to Madani Saab, you have walked a long way, I'm very glad that I could come somewhere and meet you, it is a very long journey has taken to bring people with one vision and this vision is very important that any development progress is possible only when we are together. This is a brilliant attempt of bringing people together. I have met Dr. APJ Abdul Kalam many times and in one of my interactions with him
when India went nuclear. And that is very, very important because politically you become a powerful nation. When India went nuclear, it was Abdul Kalam who was behind making India strong. अमन व एकता सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न धर्मों के रहनुमा मैं अपनी बात का प्रारंभ यहां से करना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सबसे पहले मैं भाई मद्दी जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्माण के लिए, सृजन के लिए एक अमन व एकता का इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पर इस खुशी के मौके पर आयोजित किया। अगर कोई अमन को खराब करने की कोशिश करे, हमारे चमन को उजाड़ने की कोशिश करे, तो इस समाज की अक्सरियत मेजॉरिटी ऐसे लोगों के का इलाज करने की ताकत और शक्ति रखती है। न घबराना, न मायूस होना, क्योंकि जब इंसान मायूस होता है तो वो गुस्से का शिकार होता है,
और जब वो गुस्से में आता है तो गलत काम कर देता है। हरगिज मायूसी को अपने करीब मत आने देना, हमारा मुल्क है, हमने इसको चूज किया है। याद रखिए किस किस खूबसूरत नारों के साथ हमको हिजरत की दावत दी जा रही थी, किस खूबसूरत नारों के साथ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, फैसला किया नहीं इसी गली की ये खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों कह रहे थे हमने आजाद कराने के लिए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी थी, आबाद कराने के लिए भी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और न किसी से डरने की जरूरत है, और कोई डर से डरा भी नहीं सकता, कोई डर से डरा भी नहीं सकता। ये सोसाइटी ऐसी है, किसी डर से डराया नहीं जा सकता। मैं आज आपको एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं। आपकी ये जमात हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये सबसे बड़ी जमात और ये मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है। ये जमात, मैं कहता हूं अपने दोस्तों से कि मुल्क के लोगों को, उस कौम को जिसका जिसका खून इस मुल्क की तामीर में शामिल है, बुनियादों में शामिल है, उस कौम को, उस कौम की इस अंजुमन को, इस जमात को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस मुल्क के हिंदुओं को जरूरत है, इस मुल्क के सिखों को जरूरत है, इस मुल्क के ईसाइयों को जरूरत है, इस देश को, इस मिट्टी को, इस धरती को जरूरत है। आज आज आपकी अंजुमन 100 साल, हमारे 100 साल पूरे हो गए, अब कहें बुढ़ी हो गई जमात, 100 साल की बुढ़िया जमात है ये अंजुमन, 100 साल की हो गई और अपनी सोच और अपनी फिक्र एक आइडियोलॉजी लेकर के आए, एक सोच दी है। ये सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजी के साथ वजूद में आई थी, एक सोच के साथ वजूद में आई थी, उस सोच की हिफाजत करेंगे चाहे जान देनी पहुंचाए। हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, याद रखिए मुसलमानों आप भी सुन लीजिए, हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अपने फिक्र और नजरिए से एक इंच नहीं हटने के लिए तैयार है। आज आज वक्त खत्म हो रहा है और अभी बहुत सारे हमारे मेहमान यहां मौजूद हैं। हमारे बीच में लद्दाख के बड़े बड़ी शख्सियत बौद्ध मजहब के बड़े लामा हैं, अपने इनका जो मसलक है उस मसलक की सबसे बड़ी शख्सियत है, हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, वो यहां मौजूद हैं। इसी तरह स्वामी चिदानंद जी मौजूद हैं और वो आए, बहुत सारे लोग यहां आज के इस प्रोग्राम की ये जो खूबसूरती है इसमें स्वामी चिदानंद जी का बड़ा रोल है, लोगों को लाने में, दावत देने में। स्वामी मित्रानंद जी आए हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करना चाहता हूँ। ये चिन्मय मिशन की बड़ी शख्सियत, ये बड़े बड़े लोग हैं। और हाँ मैं मानता हूँ इस बात को कि हाँ डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, क्या पैगाम यहाँ से आप लोग देखिए, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा देश आज लोगों को बखेरा जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो ये बांट
ये बंटवारा जो है देश में डिफरेंट विचारधाराओं के मानने वाले लोग हमेशा से एक साथ रहते चले आए, आज कौन सी ऐसी चीज़ हो गई कि मन में चिंता हो रही है? तो देश के एक राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों की भावनाओं को बाकी रखते हुए हमें एकजुट होकर के मुल्क को, देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है। कोई भी एक घर भी अगर झगड़े होंगे तो वो पनप नहीं सकता, देश को इसे पनपेगा। तो ये देश की चिंता करने वाले लोग, समाज की चिंता करने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं अलग अलग धर्मों से, और इकट्ठे होकर एक आवाज़ बनेंगे और एक आवाज़ होकर के मुल्क में काम करेंगे। अभी जब ये एंड होने लगेगा तो ये सब, हम सब लोग इकट्ठे होंगे और एक साथ पूरी पूरी पब्लिक भी और लीडर्स भी एक साथ हाथ उठा करके खड़े होंगे और वो एक एक अहद करेंगे, एक अज़्म करेंगे कि हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। नफ़रत की सियासत हो रही है और जो माहौल पैदा हो रहा है उसमें सियासतदान ही सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ कुछ ऐसा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है किसी सियासत? देखिए, कोई भी सियासत हो, कोई भी पार्टी हो, देश से बड़ी नहीं है, और देश की जनता और देश की मेजोरिटी पीस लविंग लोगों पर आधारित है। यहाँ के रहने वाले लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो जो बांटने वाले लोग हैं उनकी चलेगी नहीं। शुक्रिया। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, तूने अपने फ़ज़्ल और करम से हमें इस मौके पर इस नेक मकसद के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। या अरहमर राहिमीन, जिस तरह तूने जमा होने की तौफीक अता फरमाई, इसी तरीके पर हमें इस मिशन को और इस मकसद को आम करने की भी तौफीक अता फरमा। हर घर में, हर गाँव में, हर बस्ती में, हर शहर में इस बात को आम करने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे तर्ज अमल से किसी को ज़र्रा बराबर कोई नुकसान न पहुँचे, हमारे तर्ज अमल से हर शख्स को, हर मखलूक को फ़ायदा पहुँचे, हम नुकसान से उनको महफूज रखें। या अरहमर राहिमीन, हमारे मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना, और जो इसके अंदर फसाद मचाने की कोशिश करते हैं और फसाद की लहरें पैदा करते हैं, उनके दिलों को आप दूसरे खैर की तरह मायल फरमा, या फिर जो भी उनके लिए बेहतर आप मुकद्दर समझते हैं उनके साथ मामला फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारी इन दुआओं को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।